रियाज अली को देखो, उनके दाढ़ी और मूंछ बिल्कुल भी नहीं है। तो ये जो कमेंट आई है वो मुझसे क्वेश्चंस कर रहे हैं कि सर आप रियाज अली को देखो, उसके दाढ़ी बिल्कुल भी नहीं है, तो ऐसा क्यों? और ये पूरा हमें एक्सप्लेन करिए। और जो टिकटॉक स्टार होते हैं, जो रील्स स्टार होते हैं, जो शॉर्ट्स वीडियो स्टार होते हैं, लगभग लगभग 99% लोगों की बीएड नहीं है, ऐसा क्यों होता है? आज मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। हाय गाइस, आइए मंजिल, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मुझसे बात करने के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मुझसे बात कर सकते हैं और आपकी प्रॉब्लम भी मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो जो भी मेरे वीडियोज में से कमेंट करता है, अगर मेरे को वो कमेंट ऐसी लगती है कि बाकी ये वीडियो बनाने लायक है, तो मैं उस पर वीडियो जरूर बनाता हूँ। और आज मैं इसी के बेस पर ये वीडियो बना रहा हूँ जो कि मेरे पास कमेंट आई है। तो लगभग आपने देखा होगा, जो भी टिकटॉक स्टार है, जो रील्स स्टार है, शॉर्ट्स वीडियो स्टार है, लगभग लगभग 99.99% जो बंदे हैं उनके बीएड नहीं है। ये मैं भी देखता हूँ क्योंकि आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में आते हैं और आजकल ये इन्फ्लुएंसर बन चुके हैं और लोग इनको फॉलो करते हैं, तो मैं भी फॉलो करता हूँ, तो मैं भी ये जानना चाहता हूँ। बट एक कंडीशन ये आती है कि इनमें से कोई से भी जो लोग हैं, जो इन्फ्लुएंसर हैं, जैसे कि आप रिया गली को मान लो, तो वो भी सेविंग करता है, यानी वो भी बीएड की ग्रोथ करने की कोशिश कर रहा है। पैसे हैं मान चलो, लेकिन बेस्ट ट्रीटमेंट भी ले सकता है, बीएड ट्रांसप्लांट भी करा सकता है, लेकिन कहीं कहीं उनको लगता है कि हम थोड़ा सा टाइम लेंगे या थोड़ा सा बीएड के लिए ग्रोथ करेंगे या टाइम लेंगे या कुछ सप्लीमेंट्स यूज़ करेंगे या कुछ टेबलेट्स, मेडिकल क्रीम बीएड वाला यूज़ करेंगे, उससे कहीं ना कहीं हमारी बीएड की ग्रोथ हो सकती है। अभी उनको इस बारे में कुछ भी पता नहीं, लेकिन आप अगर उनको फॉलो करते हो तो आप उनसे ज़रूर पूछना कि ऐसा क्यों करते हो और आपके अगर बीएड है तो उसकी ग्रोथ क्यों नहीं रखते, उसका लुक आप लेके क्यों नहीं आते। तो देखो, मैं सबसे सिंपल बात ये बताना चाहता हूँ कि बहुत से लोगों की बीएड नहीं आ सकती। इसका मतलब ये होता है कि या तो वो जेनेटिक प्रॉब्लम में है या तो फिर वो महंगे ट्रीटमेंट्स, गलत ट्रीटमेंट्स यूज़ कर रहे हैं जिससे उनकी बीएड नहीं आती, या तो उनकी जो डाइट फॉलो है वो अलग टाइप से यूज़ करते हैं, तो उस कंडीशन में बीएड की ग्रोथ नहीं होती। लेकिन अगर आप चाहो तो एक सही ट्रीटमेंट लेके बीएड की ग्रोथ 100% कर सकते हो। मैं भी ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन में रहता हूँ कि जो भी इन्फ्लुएंसर है, लगभग लगभग सभी इन्फ्लुएंसर, 5-10 इन्फ्लुएंसर को छोड़ के लगभग सभी को जिनकी बीएड नहीं है, यानी दाढ़ी है ही नहीं, एक भी बाल मैं नहीं देखता, शायद वो क्लीन फेस करके रखते हैं या फिर वो उनकी बीएड नहीं है, तो इनकी पर्सनल प्रॉब्लम है। मैं देखो ये वीडियो सिर्फ कमेंट के बेस पर बना रहा हूँ, मेरे को किसी से कुछ नहीं लेना। आप सिर्फ ये वीडियो इसलिए देख रहे हैं ताकि आपको सब समझ में आए कि ये क्यों होता है, ये क्यों नहीं होता। देखो ये आपकी चॉइस है, ये आपकी लाइफ है, आपको लाइफ में कैसा रहना है, कैसा नहीं रहना। लेकिन आप अगर किसी को फॉलो करते हो, इन्फ्लुएंसर मानते हो, उसको आप मतलब चाहते हो कि हम भी ऐसा ही बने, तो आप पूछ सकते हो कि ऐसा क्यों करते हो या है तो ऐसा क्यों, और अच्छा इससे बेस्ट कर सकते हो। अगर आपके पास बीएड लुक है, बीएड है, बीएड की ग्रोथ है, तो आप बीएड लुक भी एक बार यूज़ करके जरूर देखें। और जिसके नहीं है तो उनसे बोले कि सर आप बीएड की ग्रोथ करें, कोई सा ट्रीटमेंट लें या बेस्ट लुक आप बीएड लुक लेके आए जिससे कि हम आपको फॉलो करें। और आजकल आप देख रहे हो कि बीएड लुक जो है वो ट्रेंडिंग में है, लगभग लगभग 100% बॉयस लगभग बीएड की ग्रोथ कर और बीएड लुक लेके आ रहे हैं। आजकल जो मार्केटिंग जो रेट चल रही है, मार्केटिंग ट्रेंडिंग लुक जो चल रहा है वो बीएड लुक ही है। अगर आपके पास भी बीएड है, दाढ़ी है, तो आप जिसको फॉलो करते हो वो अलग बात है, कपड़ों को लेके, जूतों को लेके, या पूरी बॉडी स्किन को लेके, उनके लैंग्वेज को लेके, या उनकी लाइफ स्टाइल को लेके आप उनको फॉलो कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास बीएड और किसी के पास बीएड नहीं है तो आप वेट ना करें, आपका खुद का एक बीएड लुक लेके आए मार्केट में, जो कि आप एक अलग ही आपका फेस कट आ जाएगा। शायद आप जो इन्फ्लुएंसर उनको मानते हो, शायद आप उनसे बड़े इन्फ्लुएंसर बन जाओ। तो मेरा मोटिव यही था कि जो वीडियो कमेंट आई थी मैं उसको एक्सप्लेन किया, जो भी आपको समझ में आया काफ़ी अच्छी बात है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो इस वीडियो से कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको और कौन सा क्वेश्चन मेरे से पूछना था और मेरे को कौन सा आंसर देना था। तो उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वॉच माई वीडियो, सी अगेन।